हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा पारक है और आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स का एम है टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी यूजिंग अ पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड्स है वर्नियर कैलिपर्स, स्फेरिकल बॉडी या सिलेंड्रिकल बॉडी। वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली इनके साइंटिस्ट पियर ए वर्नियर ने इन्वेंटेड किया था। वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ स्मॉल लेंथ को मेज़र करना होता है। स्मॉल से स्मॉल लेंथ को मेज़र किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स से। फिर डायमीटर है, डेप्थ है, वॉल्यूम है, इंटरनल डायमीटर है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपको दो जॉस दिखाई दे रहे हैं। इस जॉस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हैं, इससे हम किसी भी इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं, जो कि इस तरह से मूवेबल जॉस है, ये मूव कर सकती है। नेक्स्ट है ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जिस पे नंबर्स कुछ डले हुए हैं, इसे हम कहेंगे मेन स्केल। कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, यह पूरी सीरीज दी रहती है 12 सेंटीमीटर तक रहती है मेन स्केल। और यहाँ पर एक गोल एक दूसरी स्केल लगी है जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ लाइंस खींची गई है जिसे हम बोलेंगे वर्नियर स्केल। इंटरनल जॉस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट का हमें डेप्थ फाइंड करना है कि कितना गहरा है, तो हम वो यहाँ से माप सकते हैं जिसे हम स्ट्रिप बोलते हैं। इस स्ट्रिप से आप डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। और अब आप इससे किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम किसी कोई सिलेंड्रिकल बॉडी लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना है कि ये ज़ीरो एरर है या नहीं। ये फाइंड करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं ज़ीरो है, ज़ीरो की लाइन और वर्नियर कैलिपर्स की फर्स्ट लाइन दोनों एक्यूरेट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ये जो लाइन है ये ज़ीरो के इस तरफ ज़्यादा होती या ज़ीरो के इस तरफ होती, तो हम इसे दो एरर से बोलते हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। ये एरर होगी अगर ये लाइन ज़ीरो के इस तरफ होती तो ये नेगेटिव एरर होती, अगर ये ज़ीरो के इस तरफ होती यानी राइट साइड से होती तो हम बोलते पॉजिटिव एरर होती। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आप जान चुके हैं, अब हम इसका निकालेंगे लीस्ट काउंट कि एक्चुअली इसका लीस्ट काउंट है कितना। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को लेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से 1 तक के बीच कितने डिजिट्स हैं, 10। तो हमें एक 1 मेन स्केल डिवीज़न लेना है सबसे पहले। तो एक लाइन का वैल्यू कितना होगा, 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये 0 तक के पूरा मैच है। यहाँ आप देख सकते हैं 1, यहाँ पर 10 पॉइंट होते हैं और ये वाला जो है ये 9 तक के हैं। तो हम इसके लिए वर्नियर स्केल का जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे, 9 अपॉन 10 मिलीमीटर। अब है मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल का वैल्यू है 1 और वर्नियर स्केल का वैल्यू है 9 अपॉन 10। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 10 10 वन ज़ा 10 माइनस 9 इजिकल्स टू 1 अपॉन 10। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, जब 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर। और मुझे अगर लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में चाहिए तो 0.01 सेंटीमीटर। सो ये हमारा निकल चुका है लीस्ट काउंट। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत मेन होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब हम निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर। ये एक मार्कर है जिसका ढक्कन एक्चुअली सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इस सिलेंड्रिकल बॉडी का हमें एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है। तो आप इन दो जॉस के बीच में इसको आराम से फंसा लीजिए डायमीटर फाइंड करने के लिए।
यह मैंने फिट कर दिया और इसको आराम से मैंने निकाल दिया। अब आप इसके स्केल का रीडिंग देखें कि क्या आया है। इसकी रीडिंग आई है 1.5 और अब इसका वर्नियर स्केल का अगर वैल्यू देखना है तो ये वाला वैल्यू कौन सी स्केल की लाइन से एकदम बिल्कुल ओवरलैप है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा कौन सी लाइन मिल रही है, लास्ट वाली लाइन मिल रही है या लास्ट की सेकंड लास्ट वाली मिल रही है, मतलब 7 या 8 ब्लॉक मिल रहा है तो हम लेंगे 8। 1.5 मेन स्केल का वैल्यू है, वर्नियर स्केल का वैल्यू 8 है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट कितना था 0.01 सेंटीमीटर। 1.5 अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.08 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू को प्लस करके टोटल करेंगे तो 1.5 प्लस 0.8 कितना होगा 1.58 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया एक्सटर्नल डायमीटर। अब अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए मुझे इसका हाफ करना होगा, 1.58 अपॉन में 2, इसका रेडियस आएगा 0.75 समथिंग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल तो निकाल लिया, अब आप इंटरनल डायमीटर देखिए। जब भी किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर निकालना हो तो उससे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसी तरह से फंसा देना चाहिए और उसे फिट कर लेना चाहिए तो उसका इंटरनल डायमीटर निकल जाएगा। यहाँ से वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने एक्सटर्नल के लिए पढ़ा है। अगर किसी चीज़ का डेप्थ फाइंड करना है तो डेप्थ भी फाइंड हो सकती है। इस स्ट्रिप से आप डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिप को आप इसके अंदर लेके जाइए, जहाँ तक जाती है वहाँ तक के, और जैसे ही जाना बंद हो गया तो आप उसको रोक दीजिए और उतने ही यहाँ पर वैल्यू पढ़ लीजिए कि कितनी आपकी डेप्थ आई है इसकी। समथिंग तो डेप्थ के लिए हम लेंगे 2.8 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन सा वैल्यू मिल रहा है ये देखना है वर्नियर स्केल में। फोर्थ वाला मिल रहा है, फोर मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर तो टोटल कितना हो जाएगा 2.84 सेंटीमीटर। आप ऐसे 5 वैल्यू निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकाल के आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपने निकाली है। डायमीटर भी हो गया, डेप्थ भी हो गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का 4/3 πr³। 4/3 पाई का वैल्यू होगा 22/7, रेडियस मैं यहीं से ले लेती हूँ इसका 0.75 का क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, अगर 0.75 को 3 बार मल्टीप्लाई करे तो आती है वैल्यू 0.42875 को समथिंग। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 से इसको डिवाइड कर दे तो वैल्यू आएगी 0.060। 4/3 मल्टीप्लाई 22/0.060 1.32। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.30 अपॉन में आएगा 3। जब इसको डिवाइड करेंगे
तो आएगा 1.76 सेंटीमीटर, ये आपकी आ जाएगा वॉल्यूम। आपने इस वर्नियर कैलिपर से कम चार चीज़ फाइंड कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, स्ट्रिप से डेप्थ फाइंड कर सकते हैं और फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।